हेलो दोस्तों, स्वागत है टिकटॉक की एक नए वीडियो में। दोस्तों तीन अपडेट निकल के आ रहे हैं टिकटॉक की तरफ से, टिकटॉक इंडिया की तरफ से और tiktok.com की तरफ से। और दूसरा जो अपडेट है वो है जियो फोन 4G को लेकर और 5G को लेकर। दोस्तों ये फोन बहुत ही सस्ते होंगे जिसकी अप्रोक्स वैल्यू बताई जा रही है 4000। और दोस्तों तीसरा अपडेट आ रहा है साक्षी शर्मा को लेकर। साक्षी शर्मा का जो बहुत वीडियो वायरल हो रहा है और वो इंसाफ मांगने को लेकर ये वीडियो है, और इसमें हिंदुस्तानी भाव भी इसमें रिएक्शन करते नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को हम भी दिखाएंगे, साक्षी शर्मा का वह वीडियो भी दिखाएंगे कि किस प्रकार उन्हें जो है एक वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी जो है जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वो उसने बताई है। और ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लगातार देखते रहिए, मैं आपको सारे अपडेट बताऊंगा बारी बारी से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं RKSIM यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला अपडेट आपसे मिस ना हो सके एक भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय का। पहले अपडेट पे चलते हैं। सबसे पहला अपडेट है वो है साक्षी शर्मा को लेकर। तो साक्षी शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो वो पहले वीडियो देखिए फिर इसमें बात करते हैं। और इस पर हिंदुस्तानी भाव का क्या रिएक्शन रहा वो भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, सारी कुछ जानकारी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा लास्ट वीडियो है। मैं पिपलियाना स्क्वायर तिलक नगर इंदौर में रहती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन, करीब 10 दिन से मैं तिलक नगर थाने के चक्कर काट रही हूँ। 10 महीने हो गए मुझे। 10 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे घर के सामने बैठ के लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। शाम के 5 बजे के बाद मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं तिलक नगर की पुलिस को कंप्लेन करती हूँ तो तिलक नगर की पुलिस कहती है क्योंकि आपके घर में कोई आदमी नहीं है ना, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो ना मैडम, क्योंकि आपने शादी नहीं की है ना, क्योंकि कुत्ते हैं ना ये लोग जो यहाँ पे कसाई खाने चलाते हैं। ये रोज शाम को 5-6 बजे मेरे घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। 3-4 महीने पहले भी मैंने वीडियो वायरल किए थे, जब मेरा हाथ तोड़ा गया था, जब मेरा फोन तोड़ा गया था। इंदौर की एक लड़की है ये, जिसको वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के कोई नेता कोई साथ नहीं दे रहा है। पिपलियाना स्क्वायर तिलक नगर इंदौर में रहती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े नेता। जैसा कि दोस्तों आपने हिंदुस्तानी भाव का और साक्षी शर्मा का भी वीडियो देखा, तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अपडेट की तरफ। दोस्तों आगे जो अपडेट आ रहा है वो जियो और गूगल की तरफ से है। दोस्तों आपको सुना होगा कि जियो और गूगल की जो है पार्टनरशिप हो गई है, इसमें बहुत ही रुपया लगाया है जियो और गूगल ने। दोस्तों ये दोनों जो है मिलकर एक स्मार्टफोन बनाएंगे, काफी सस्ता होगा और ये मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया में ये बना हुआ होगा, पूरा जो ये सेट है जो स्मार्टफोन बनाया जाएगा पूरा जो है 5G होगा, और इसके जो आने वाले समय में ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और इसकी कॉस्ट जो है बताई जा रही है कि इसकी बहुत ही कम कॉस्ट रखी जाएगी, लगभग 4000 के करीब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होगी। और आने वाले समय में जो है इनका जो टारगेट है वो है पूरा जो है इंडिया को 2G मुफ्त करना। हर किसी के पास जो है स्मार्टफोन होगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, वो भी 5G, आपको तो पता ही होगा। तो आपको कितना इंतजार है इस 5G फोन का और 5G लॉन्च नेटवर्क का, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है टिकटॉक इंडिया की तरफ से आ रहा है कि tiktok.com की तरफ से जो ये मैसेज वायरल हो रहा है, ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। और पता है ये जा रहा है कि टिकटॉक वापस आ चुका है और इसे जो है धड़ल्ले से लोग जो है डाउनलोड कर रहे हैं और ये बखूबी चल रहा है। तो हमने इस जो है मैसेज की पड़ताल करने के लिए जो हमने इसे डाउनलोड किया और हमने पाया कि ये वाकई में ये लिंक काम कर रहा है और ये पूरा जेन्युइन टिकटॉक ही है और ये टिकटॉक बखूबी चल भी रहा है। तो हमने इसे जो है टेस्ट करने के लिए इसे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल ऐसे साइट में किया जिसमें कोई ईमेल आईडी, कोई इंटरनेट कनेक्शन, कोई सिम, कोई डाटा हमारा नहीं था, एक एक्स्ट्रा फोन था इसे टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो इंडिया ने जो फैसला लिया है 59 जो ऐप बैन किए थे और अभी हाल ही में जो है 47 ऐप भी बैन कर दिए हैं चाइनीज के। पिछली वीडियो में मैंने आपको कैसे बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जो 47 जो चाइनीज ऐप बैन किए हैं अभी हाल ही में सरकार ने, तो उनके बारे में जो है सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं जाके।
तो दोस्तों हमने ऐसा किया कि उस फोन में हमारा कोई डाटा नहीं था, हमने टेस्टिंग करने के लिए इसे डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद पाया कि वह वीडियो जो है उस फोन में सारा कुछ चल रहा है, वही टिकटॉक है और ये मैसेज बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और उस पे जो वीडियो आ रही है वो आ रही है फॉरेन कंट्री की और उसमें कुछ वीडियो हमें ऐसी भी मिली जो हमारे इंडियंस की थी और इंडियंस की जो दिखाने वाली थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें जो मैसेज वायरल हो रहा है, कुछ समय पहले आपने सुना होगा टिकटॉक प्रो नाम से एक मैसेज और वायरल हुआ था और इसे जो है धड़ल्ले से लोगों ने डाउनलोड किया और चलाया भी था। लेकिन मैं आपको राय इसमें बताऊं कि आप जो है ऐसा बिल्कुल ना करें, इसे किसी भी लिंक पे जो है क्लिक ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका रिस्क होगा और आपका जो डाटा होगा, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके जो ईमेल, पासवर्ड, फोटो, प्राइवेट फोटो, जो भी सारी जानकारी होगी वो है चाइनीज के सर्वर पर अपलोड हो जाएगी, तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। तो ये थे तीनों अपडेट दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।